quite amazing. A fine mixture of religiousness and there's so many things in every painting. There's a certain mood. It's about Nandi, and every Nandi's eyes somehow are looking different to me, and every Nandi's eyes have a different expression. The way he's put all the Nandis, some have a stone effect, and some are symbolizing peace, and there are Nandis from all over the country, from different parts of the country. So it's, and then he's got Varanasi in the background. So it's actually, and the depth is what has caught me, the depth of the painting. So I think it's truly amazing. मैं बनारस की हूँ. शिव और नंदी से बहुत प्यार है, लेकिन नंदी का इतना प्राधान्य है शिव के लिए, क्योंकि नंदी ब्लेस्ड है कि वो जहाँ भी रहेंगे शिव उनके सामने रहेंगे. और नंदी शक्ति, धर्म और कर्म का प्रतीक है. परमेश जी की इस पिक्चर में जो नंदी का एक स्वरूप है, आपने जो कहा था रौनक जी ने, कि हर आँख अलग अलग दिख रहा है, हर आँख में एक अलग प्रश्न है, कहीं शांति है तो कहीं कुछ प्रश्न है. ये इतना सुंदर जो थ्री डायमेंशनल जो इफेक्ट है इस पिक्चर में, बहुत भाया कि नंदी के पूजा के बिना आप शिव को नहीं पा सकते हैं. कैलाश मानसरोवर में नंदी ही गेटकीपर है. तो मैं नंदी जी के लिए एक स्तोत्र पाठ करना चाहूँगी कि इतनी सुंदर जो स्पिरिचुअल माहौल परमेश जी ने बनाए हैं, क्योंकि नंदी बिना शिव नहीं है. नंदी शक्ति स्वरूप माँ के रूप में सामने बैठी रहती है. ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे चक्रतुंदय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्. ओम महाकालयम् महावीर्यम् शिववाहनम् उत्तमम् गणानामत्पा प्रथम वंदे नंदीश्वरम् महाबलम्. गणपति को सबसे पहले पूजा जाता है, और नंदी को शक्ति पाने के लिए, जिंदगी में ऊर्जा पाने के लिए पूजा जाता है. मैं परमेश जी के लिए प्रार्थना करती हूँ यही ऊर्जा उनका दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और नंदी छा जाए पूरा विश्व में शक्ति रूप में. ओके रौनक सर, आपने अपने जी आप क्या कहना चाहेंगे? सोमा जी दादा को कोटि कोटि प्रणाम सबको, और काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे, गेस्ट, मेहमान, भाई बहन सबको मैं धन्यवाद, स्वागतम. मैं काफ़ी मैसेज देना चाहता हूँ एग्जीबिशन पे. आज सारा वर्ल्ड में जो स्थिति है, जो नंदी एक्चुअली नाम है, लेकिन उसका अंदर में बहुत कुछ है, और उसको मैसेज देना चाहता हूँ. जो अभी वर्ल्ड में क्या स्थिति है, जो एनिमल्स का क्या प्रॉब्लम है, गांव-गांव में प्रॉब्लम चालू हो गया, तो वो उसको मैसेज देना है. और जो दीदी बताए, दादा जो बताए, जो आँख में अलग अलग मैसेज दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, स्टोन का कुछ नहीं है बहन, लेकिन स्टोन का तो अलग में कन्वर्ट किया, उसको अलग कंपोजिशन किया, अलग तरीका वो ड्राइंग को ब्रेक किया, तो 3D इफेक्ट में लेके आया, भी कंपोजिशन भी किया, तो इंस्टॉलेशन भी ऐसा ही किया, टोटली मिलजुल के करना है. वो एक बहुत सारे थॉट है, आप सोचो तो आपको सब मिल जाएगा. तो इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट यही है मैसेज देना चाहता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया है आपने. चूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चित्र में एक विशेष बात है, ख़ास बात है. चूज़ करना मुश्किल है. एक बार फिर से घूमता हूँ और मन मनाता हूँ. निजी जिंदगी में आप कभी पेंटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत से करीबी दोस्त जैसे सलमान हैं, वो भी पेंटिंग करते हैं. आप भी कभी आने वाले दिन में देखा जाएगा कि आप पेंटिंग करते हैं? जी नहीं. कोई शौक ऐसे कि या शौक मेरे बहुत हैं बेटा, मिलो तो बताता हूँ. पर पेंटिंग कला जो है वो क्या, मैं अलग किस्म का कलाकार हूँ, मेरी कला अलग है, इनकी कला अलग है. तो मुझे ब्रश पकड़ना तक नहीं आता. हाँ, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना कर सकता हूँ,
तो समझ में आता है लेकिन कर नहीं पाते। एकता मैम ने कल एक पोस्ट किया था मिस्टर बजाज का और बोल रहे थे कि न्यू एकता बजाज, न्यू एकता बजाज, न्यू नहीं नया एकता कपूर बजाज, एकता कपूर बजाज जी जी। अब नर्वस हो रहे हैं आप? कौन सर? न्यू बजाज का जो न्यू बजाज का सर चालू हो गया है तो क्या एक्सपेक्ट जो नया आएगा वो? ये कॉन्फिडेंट है। क्या नाम है तेरा? जो नया जो आने वाला है किरदार जो निभा पाएगा आपको, क्योंकि जो प्यार आपको मिला है वो नहीं लगता नहीं कि वापस से जो आएगा जो उसे उतना ही मिल पाएगा, आपका क्या ठीक है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा? क्यों सर आपको जो प्यार मिला और आपने जो निभाया वो रोल को आज तक वो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। देखिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे एक तो वो पात्र मिला और मिला तो फिर वो बन गया। देखिए कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता है, इसमें बहुत लोग होते हैं, लेखक होते हैं जो लिखते हैं, आपका पात्र लिखते हैं, आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है, तो फिर वो किस तरह से बोलेगा क्या बोलेगा ये सब लेखक देता है। फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं, तो वो अलग बात है। वो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है कसौटी ख़त्म हुए और 9 साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की वो एकता कपूर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाएंगे। सर हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं, तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे और इसलिए मैंने आदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला, तो अभी देखते हैं कौन आता है। स्मृति ईरानी पे जानना चाहूँगा, आज इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी को-स्टार रह चुकी है। जी मेरी को-स्टार रह चुकी हैं, मेरी बहन समान है, तो हमेशा अपनी बहन के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वो हैं और मैं ये बात जानता हूँ उनकी कि वो बहुत मेहनत करती हैं फील्ड पे ऑन ग्राउंड, तो मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ और अच्छे खासे मैं चाहूँगा बहुमत से उनका विजय हो। किस पे क्या लगा है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और ये आर्ट की जगह है, इसमें कहाँ क्या क्या लेके आते हैं। I've already given my best wishes. I didn't say? No. Oh, मैं आप इनसे मिलाना चाहता हूँ और ये नंदिनी जी हैं और मैं परमेश जी के लिए यहाँ आया हूँ, उसकी एक वजह उसका एक कारण नंदिनी जी भी है क्योंकि परमेश जी का एक संदेश नंदिनी जी के थ्रू आया और वो बड़ा ही भावुक मैसेज था और नॉर्मली मैं इतना दूर आता नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं घर से नहीं निकलता, लेकिन वो संदेश मुझे यहाँ तक लेके आया और परमेश जी का मैंने काम देखा और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया। परमेश जी को बहुत बहुत बधाई और आगे जो भी काम करना चाहें उसमें वो सफलता पाए। Thank you. Adil. Thank you, sir. Bade intelligent subah.